दर्जनों गायत्री हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गायत्री का पहले रुख करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा जहां थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होनी है, क्या अपडेट गायत्री? बिल्कुल, देखिए बस थोड़ी देर का वक्त है अनामिका जब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी, लेकिन अपने दर्शकों को बड़ा अपडेट ये दे दें कि जो सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट है, चाहे राज्य सरकार की तरफ से हो या फिर सीबीआई की तरफ से, सीलबंद लिफाफे में जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई है और अब से थोड़ी देर बाद जो सुनवाई है वो शुरू होगी। और ये बताना होगा सीबीआई को कि जिन 25 किरदारों का आप लगातार स्टूडियो में जिक्र कर रहे हैं उनमें सबसे मुख्य आरोपी है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। और जो बड़ा अपडेट कोलकाता से भी जतिन हमको बता रहे थे कि जो संदीप घोष है से 6 दिन में 78 घंटे तक लगातार पूछताछ की गई है और एक बार फिर वो पूछताछ के लिए पहुंच गए क्योंकि सीबीआई की तरफ से उनको क्लीन चिट नहीं दी गई है। आपको ये भी बता दें कि कोर्ट की तरफ से कई टिप्पणियां की गई थी। कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि ये जो क्रूरता भरा यौन उत्पीड़न का मामला है, इसने अंतरात्मा को झकझोर दिया है। कोर्ट ने डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े किए और सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट की तरफ से डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर जो सवाल किए गए थे उसको लेकर बाकायदा नेशनल टास्क फोर्स का भी गठन किया गया और कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया था कि क्योंकि आम लोग जो है वो विरोध प्रदर्शन के चलते खासे परेशान है, अब डॉक्टरों को इस पूरे विरोध प्रदर्शन को खत्म कर देना चाहिए, उसको लेकर क्या स्टेटस है वो भी आज कोर्ट की तरफ से देखा जाएगा। इसके अलावा सीबीआई की तरफ से जो रिपोर्ट दाखिल की गई जिसमें 25 किरदारों का इर्द गिर्द वो पूरी जो रिपोर्ट है वो घूमेगी और साथ ही ये सीबीआई कोर्ट के सामने रखेगी कि आखिरकार उसकी जो जांच है वो कहां तक पहुंची और आने वाले वक्त में और किन किन एंगल पर सीबीआई को जांच करनी है। बंगाल पुलिस की तरफ से कितना सहयोग किया गया, आपको याद होगा कि बंगाल पुलिस को लेकर कई सवाल कोर्ट की तरफ से भी खड़े किए गए थे, चिंता जाहिर की गई थी कि आखिरकार कैसे जब 14 अगस्त को सीबीआई को इस पूरे मामले की जो जांच थी वो हाईकोर्ट ने सौंपी तो अस्पताल में ठीक है। तीन बिल्कुल गायत्री बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं। 3 जजों की जो बेंच है सर्वोच्च अदालत में सुनवाई करेगी, लेकिन जतिन आपके पास आते हुए 25 किरदारों के इर्द गिर्द पूरी जांच अब घूम रही है, उन किरदारों के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन साथ ही हम ये जानना चाहेंगे कि संदीप घोष को लेकर यह माना जा रहा है कि अभी भी ठीक से जवाब नहीं दे रहा है, आज उस पूछताछ का 7वां दिन है। आज बिल्कुल देखिए, संदीप घोष को लेकर आपको बता दें कि क्लीन चिट उसको अभी तक नहीं मिली है, पिछले 6 दिनों में 78 घंटे तक उससे पूछताछ की गई है और एक बार फिर से संदीप घोष इस समय सीबीआई दफ्तर में मौजूद है और वहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि सीबीआई में जो आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई होनी है उस पर पूरे देश की नजरें हैं, सबको ये जानना चाहता है कि सीबीआई की थ्योरी क्या कहती है, क्या सिर्फ ये संजय राय द्वारा किया हुआ एक अपराध है या इसके अलावा कुछ और लोग भी इसके अंदर शामिल है, इसको लेकर हर किसी की नजर है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट 3 मुख्य बातों पर ध्यान देने वाला है। सबसे पहले ये कि उन्होंने जो अपील की थी डॉक्टर से कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप लोग बहुत जरूरी हैं इस पूरे देश के लिए, हेल्थ सिस्टम के लिए, तो आप लोग अपने काम पर वापस लौटिए, ऐसी तस्वीरें हमें देखने को नहीं मिली, हर जगह से प्रोटेस्ट लगातार जारी है। और आरजीकर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो शाम को डॉक्टर्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं ताकि आगे की रणनीति और आज की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद क्या कुछ निकल कर आता है उसको लेकर फैसला करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, सीबीआई की जो जांच रिपोर्ट है वो किस एंगल पर पहुंची है, किन किन किरदारों का क्या क्या रोल है, इसको लेकर क्लियरिटी आज सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगी। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार को फटकार लगाई थी, कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई थी, एडमिनिस्ट्रेशन को फटकार लगाई थी कि आप लोग विफल रहे, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, 14-15 तारीख की रात को अस्पताल के अंदर हमला हो जाता है, आप लोग क्या कर रहे थे। तो पश्चिम बंगाल सरकार अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ बोलेगी इसको लेकर सुनवाई होगी। हालांकि पिछले 2 दिनों का जब आप पूरा एक तरीके से देखेंगे तो क्या कुछ कार्रवाई की गई, आप देखेंगे कल रात को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के तकरीबन 4 ऐसे शीर्ष नेता था जिसमें प्रिंसिपल भी शामिल है, उन सभी को उनके पद से हटा दिया गया। अब प्रिंसिपल जो है वो मानक भट्टाचार्य बताए जा रहे हैं, उनको उसके पद पर तैनात किया गया। ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई ये सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है। साथ ही पुलिस प्रशासन में क्या कुछ हुआ, 3 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी, उनको सस्पेंड किया गया जिसमें इंस्पेक्टर बताए जा रहे हैं, 2 जो एक तरीके से एडिशनल जो ऑफिसर्स हैं वो बताए जा रहे हैं, इन दोनों पर भी जो है वो गाज गिरी है। तो प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की और संभवतः इन्हीं कार्रवाई को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में जो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से रिपोर्ट दी गई है उसमें इन्हीं सब बातों का जिक्र होगा। लेकिन कंसर्न क्या है, कंसर्न यह है कि इस पूरे इंसिडेंट में कितने लोग शामिल हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है और सीबीआई की थ्योरी क्या कहती है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। और दूसरी सबसे बात, करप्शन को लेकर संदीप घोष पे जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों को लेकर क्या इस रिपोर्ट में कुछ बताया गया है, सीबीआई के पास कुछ सबूत है, क्योंकि कल सभी ने देखा कि संदीप घोष की गाड़ी को सीबीआई ने जब्त किया, फोरेंसिक के जरिए उनकी गाड़ी की जांच जो है वो भी की गई, उनके फोन की जांच की गई है। तो कहीं ना कहीं जो स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में देगी उसके अंदर इन सभी बिल्कुल जतिन आप तमाम बड़ी बातें बता रहे हैं, तमाम वो पॉइंट्स बता रहे हैं जो अहम है इस
डॉक्टर केस को लेकर देखिए किस तरीके से सीबीआई अब स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने वाली है। लेकिन इधर आपको बता दें कि बंगाल सरकार जो है वो भी चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है और ऐसे में बीजेपी लगातार बंगाल सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। इस पूरे केस में क्या इस समय ताजा अपडेट है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। रेप मर्डर मामले में एक्शन तेज, दब गए पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, मानस बनर्जी बने नए प्रिंसिपल। देश भर में विरोध प्रदर्शन, कोलकाता रेप मर्डर मामले में अब एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। देश भर से उठ रही इंसाफ की मांग और विरोध प्रदर्शन के बाद ममता सरकार बैकफुट पर आ गई है और यही वजह है कि आनन फानन में आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल सुहारिता पॉल को उनके पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह अब मानस बनर्जी को कॉलेज का नया प्रिंसिपल बनाया गया है। इनके अलावा कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल बुलबुल मुखोपाध्याय को हटा दिया गया है। जस्ट मेडिसिन विभाग के चीफ अरुणव दत्ता को भी हटा दिया गया। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का नेशनल मेडिकल कॉलेज में किया गया ट्रांसफर भी रद्द कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई इस मामले के हर कड़ी को जोड़कर पूरे मामले को सुलझाने में जुट गई है। आरोपी संजय रॉय से हर तरह से पूछताछ हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके सहयोगी और पुलिस कर्मी अनूप दत्ता भी सीबीआई के रडार पर हैं, उससे भी पूछताछ हो रही है। अनूप दत्ता को सीबीआई ने पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया था, जहां वो मीडिया से भागता नजर आया। इन सब के बीच इस मामले को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। देश के अलग अलग जगहों पर जहां डॉक्टर्स काम रोक कर विरोध जता रहे हैं, तो वहीं राजनीतिक दलों के साथ साथ सरकारी कर्मचारी भी अब विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। आज इस मामले पर पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग करते हुए प्रदेश बीजेपी स्वास्थ्य भवन का घेराव करने वाली है। तो वहीं राज्य सरकार के कर्मचारी इस घटना के विरोध में आज दोपहर 1:30 बजे स्वास्थ्य भवन और 9 महाकरण में विरोध मार्च निकालेंगे। तो वहीं शाम 5 बजे के आसपास न्याय की मांग को लेकर कोलकाता प्रेस क्लब में मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इन सब के बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को खत लिखकर डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। डॉक्टरों ने मांग की है कि रेजिडेंट डॉक्टरों के सुरक्षा मानकों को बढ़ाया जाए और इस पर सकारात्मक पहल के लिए जेपी नड्डा का धन्यवाद भी किया गया है। इस मामले पर विपक्ष की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। राहुल गांधी का इस मामले पर गोलमोल जवाब देना अब उनको भारी पड़ रहा है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मामले पर जहां राहुल को निशाने पर लिया, तो वहीं ममता दीदी से इस्तीफे की मांग कर दी।